हाउ आर यू बेटा? ओके बेटा, फर्स्ट टाइम का होमवर्क नोट करें आप लोग, डायरी निकालें, प्रैक्टिस कॉपी निकालें। शाबाश हरियत बेटा, क्लियर? आप डायरी नोट करें, डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस ऑफ, हरी अप बेटा, डू प्रैक्टिस ऑफ थर्मोमीटर डायग्राम, थर्मोमीटर प्लस सिंपल सर्किट डायग्राम इन रफ कॉपी। शाबाश बेटा, होमवर्क नोट करें, डू प्रैक्टिस ऑफ थर्मोमीटर प्लस सिंपल सर्किट डायग्राम इन रफ कॉपी। रफ कॉपी में ये दोनों डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ करने हैं। आप लोगों की रफ कॉपी में जो होमवर्क आप लोगों को ड्राइंग के मिल रहे हैं, ये सारे मैंने चेक करने हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेज पे प्रिपेयर करना है। एक पेज पे एक डायग्राम ड्रॉ करना है और नीट एंड क्लीन लेबलिंग और शेडिंग करनी है आप लोगों ने। क्लियर बेटा? अब हम केमिस्ट्री डायग्राम की तरफ आते हैं। पेज प्रिपेयर करें और केमिस्ट्री के नेक्स्ट डायग्राम की तरफ हम आते हैं, जिसका नेम है ट्राई। ट्राई का क्या मतलब है बेटा, सुना है कभी? ट्राई पोर्ट। ट्राई का क्या मतलब है बेटा? नहीं बेटा, कोशिश वाला नहीं, वो तो टी आर वाई, ट्राई मीन कोशिश, ये तो टी आर आई है, आई है ट्राई। इसका मतलब है तीन। ट्राई का मतलब है थ्री। पोर्ट का मतलब है लेग्स। स्टैंड, कोई सा भी स्टैंड बेटा, जिस तरह आप लोग किचन में जाते हो वहाँ पर बर्तन का स्टैंड होता है, स्पून का स्टैंड होता है, कप्स का स्टैंड होता है, इसी तरह लेबोरेटरी में भी इन अपरेटिस का अपना अपना स्टैंड होता है। आयरन स्टैंड हो गया, ट्राईपोड स्टैंड हो गया है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब का अलग स्टैंड होता है। तो आज जो हमारा डायग्राम है, ट्राईपोड स्टैंड, थ्री लेग्स वाला स्टैंड हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, छोटे से होते हैं, ठीक है। और जब हम मसलन कोई चीज़ ले लें, मसलन बीकर ले लें, और बीकर में अगर हम किसी चीज़ को हीट करना चाहें तो हम ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि बीकर को अगर हम उसमें कोई सोल्यूशन लें और उसको हीट करना चाहें, बीकर तो खुद शीशे का बना हुआ होता है, ग्लास का, तो उसको तो हम डायरेक्ट हाथ में पकड़ कर हीट के ऊपर नहीं रख सकते। रख सकते हैं हाथ में पकड़ कर, रख सकते हैं, पकड़ सकते हैं वो नीचे उसका, अगर आप हम हीट स्पिरिट लैम्प वगैरह लगा या बंसन बर्नर, तो हम हाथ में वो पकड़ सकते हैं, नहीं फिर क्या होगा बेटा, हमारा हाथ जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम स्टैंड वगैरह यूज़ करते हैं। ट्राईपोड स्टैंड हम लेंगे, उसके ऊपर हम वायर गाज रखेंगे और वायर गाज के ऊपर हम क्या करेंगे, कोई भी अपरेटस जिसमें हम किसी चीज़ को हीट करना चाहें वो रखते हैं। क्लियर बेटा? स्कूल में आप लोगों ने ट्राईपोड स्टैंड देखा है, किस तरह होता है, शेप किस तरह होता है बेटा? ये हम जब स्कूल में एंटर होते हैं, सामने ये जो गमले, बड़े बड़े गमले जो पड़े हुए हैं, उसके नीचे देखें, उसके नीचे भी थ्री लेग्स वाला स्टैंड है, देखा है ना? और जब हम चावल, ये फंक्शन वगैरह में चावल बनाते हैं देग में, और देग के नीचे क्या होता है, स्टैंड होता है, अगर उसको गौर से देखें तो वो भी थ्री लेग्स वाला स्टैंड होता है, कभी देखा है?
ओके देगा है। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे किस तरह ट्राइपॉड स्टैंड, सब देखते जाए बेटा। पहले मैं ये डायरी, सबने नोट कर ली है बेटा, डायरी में इरेज कर रही हूँ, डायरी में इरेज कर रही हूँ, हरी अब आते जाए। स्टेशनरी निकालें, पेंसिल हाथ में पकड़े, रूलर पकड़ें। सबसे पहले मैं लाइन इस तरह लेकर जाऊंगी और इस तरह, क्लियर। मैं ड्रॉ करूंगी ट्राइंगल, यहां से मैं लाइन इस तरह लेकर आऊंगी और यहां से मैं लाइन इस तरह लेकर आऊंगी, क्लियर। यहां से लाइन में इस तरह, क्लियर। अब मैंने क्या करना है, अब मैं यहां से लाइन लेकर आऊंगी, क्लियर, और इसके अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल मैंने दूसरा ड्रॉ करना है इस तरह और इस तरह, क्लियर। यहां तक ड्रॉ करते जाए, शाबाश बेटा, शाबाश, यहां तक हो गया है। अब मैंने फिर क्या करना है, यहां से एक लाइन लेकर आऊंगी मैं यहां नीचे, क्लियर। अब यहां से मैं लाइन लेकर आऊंगी इस तरह, यहां तक इस तरह ड्रॉ करते जाए, शाबाश बेटा, सब यहां तक ड्रॉ करते जाए, यहां तक ड्रॉ करते जाए, शाबाश, हो गया यहां तक। नेक्स्ट स्टेप मैं लूं, ओके बेटा, अब यहां से मैं लाइन लेकर आऊंगी। ख्याल रखना है बिल्कुल एक ही सीक्वेंस, ये नहीं कि यहां से ये बहुत नीचे ले आया, यहां पर ये बहुत छोटा हो, नहीं, बिल्कुल एक जितना। फिर यहां से मैं लेकर आऊंगी इस तरह और यहां से मैं लेकर आऊंगी इस तरह, क्लियर। कितने लेग्स हो गए, 3। ये मिड वाला ट्राइंगल मैं जरा ठीक करती हूँ बेटा, ये जरा सही नहीं आया है, ये यहां से इस तरह थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहां से इस तरह और यहां से इस तरह, क्लियर। अब मैंने क्या करना है, ये तीन तीन लेग्स है कि बेटा बिल्कुल एक जितने, यहां से इस तरह टर्न करूंगी, यहां से इस तरह और यहां से क्लियर बेटा, समझ आ गई है। यहां तक ड्रॉ करते जाए, शाबाश, ये हमारा बन गया है ट्राइपॉड स्टैंड, इजी है। इसी तरह नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है बेटा, ये हमारा बन गया है ट्राइपॉड स्टैंड, 3 लेग्स वाला स्टैंड, 1 2 3, ये हमारा ड्रॉ हो गया है ट्राइपॉड स्टैंड। अब इसमें आते हैं हम शेडिंग की तरफ, अब इसमें हम आते हैं शेडिंग की तरफ। अब आउटलाइन को मैं करूंगी डार्क, ये एक लेग में शेडिंग हो गया है, अब मैं इस लेग में करूंगी,
ये इसमें हो गया है बेटा। अब इसमें ये हो गया है हमारा, इसमें ठीक है बेटा। ये आउटलाइन को भी जरा डार्क करती हूँ। ये हमारा हो गया है, हम ऊपर से भी इसमें शेडिंग कर सकते हैं। ऊपर से ठीक है बेटा, आउटलाइन को मैं डार्क करती हूँ। क्लियर? क्लियर? आउटलाइन को डार्क करते जाए। ये हमारा हो गया है ट्राइपॉड स्टैंड। डेट्स क्लियर बेटा?